वेलकम टू अवर चैनल गाइज। आज हम बनाएंगे फास्ट के लिए साबूदाना वड़ा। सबसे पहले साबूदाना लेंगे, उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, रात भर उसको भिगो के रखेंगे। उसके बाद आगे प्रोसेस शुरू करेंगे। हम चार उबले हुए आलू लिए हैं, उसको हम ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, बहुत फाइन वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, जिससे बाइंडिंग में थोड़ी आसानी मिलेगी हमें। फिर हम कुछ काजुओं को ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर मिक्सर के जार में डाल के उसको एक ददरा पीस के लेंगे। ये लगभग आधा कप थे काजू, और ये डालने के बाद में चार पांच हरी मिर्चें लेंगे फाइनली चॉप करके, उसे हम ऐड करेंगे। हरा धनिया लेंगे अच्छे से, उसको भी फाइनली कट कर लेंगे, अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और फाइनली चॉप करने के बाद हम उसे अपनी पिट्ठी में ऐड कर लेंगे। उसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, फिर डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, सेंधा नमक लेंगे, अपने अकॉर्डिंग ले लेना भाई, और अच्छे से उसको मिक्स करके एक पिट्ठी रेडी कर लेंगे। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, वरना वड़े की हमारी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, और ऐसे बढ़िया मसल मसल के उसको एक पिट्ठी रेडी हो जाएगी हमारी। उसके बाद हाथों पे ना हम पहले ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने से क्या होगा कि जो पिट्ठी हम लोग रेडी कर रहे हैं ना, वड़ा बनाएंगे, तो वो हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं। फिर छोटा सा एक लेंगे हम पिट्ठी को, फिर गोल गोल बनाएंगे शेप, दोनों तरफ से प्रेस करके अच्छे से उसको एक वड़े की शेप दे देंगे। आप इसको वड़े की शेप बोलिए या टिक्की की शेप बोलिए, तो ये आपकी मर्जी है, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। तो ऐसे बढ़िया करके हम सारे अपने वड़े रेडी कर लेंगे। एक पैन में ऑयल को हीट कर लेंगे और एक एक करके सारे वड़े इसके अंदर हम डाल देंगे। हम मेक श्योर करेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई पे ना हो, इससे क्या होगा हमारे वड़े के फटने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोनों तरफ से हम इनको सेक लेंगे, एक तरफ से ज़्यादा ना सेक जाए, जल ना जाए, और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम बढ़िया सेकेंगे। देखिए क्या बढ़िया कलर आ रहा है इनका, तो पलटते रहेंगे सभी को, बराबर सेकेंगे, और जब सेक जाएंगे तो इसको हम एक टिश्यू पेपर बिछाएंगे प्लेट पे, और उस प्लेट पे हम इन वड़ों को बाहर निकालेंगे जिससे एक्सेस ऑयल निकल जाए। देखिए रेडी हो गए हैं वड़े हमारे, और इस प्लेट पे हम इनको निकालेंगे, एक्सेस ऑयल सारा टिश्यू पेपर्स कैच कर लेंगे और कम ऑयल जाएगा हमारे शरीर के अंदर। और ये देखिए हमने सारे वड़े निकाल लिए हैं। वड़ों को ना हम चटनी के साथ सर्व करेंगे, तो चटनी बनाने के लिए पहले हरा धनिया लेंगे, फिर हम डालेंगे जार के अंदर कुछ हरी मिर्चें, थोड़ा अदरक का टुकड़ा, भुने हुआ जीरा पाउडर, सेंधा नमक और दो स्पून दही डालेंगे। इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे, बढ़िया फाइन पेस्ट रेडी हो जाएगा, बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। आगे हमारे चैनल पर और वीडियोज़ आने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाय।